सो हेलो इंडियन ओडाकूज, आई मीन डाई हार्ड फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सो वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ एनमी रिविजिट। तो आज हम जिस एनमी का रिव्यू करने वाले हैं वो है हंगरी हार्ट वाइल्ड स्ट्राइकर, जो कि साल 2002 में आई थी। इस आईएनडीबी की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है, वही माय एनमी लिस्ट की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है, और ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ एनमी है। सो गाइज, इससे पहले कि आप एओआरसी देखें, मैं चाहता हूँ कि आप हंगरी हार्ट देख ली, क्योंकि गाइस कुछ एनिमेज ऐसी होती है जो अगर आप बाद में देखें तो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आपने उससे पहले ही उससे बेहतर एनिमेज देख रखी हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर वो एनिमे अच्छी भी होती है फिर भी वो आपको पसंद नहीं आती है। फॉर एग्जांपल, मुझे लिटरली टोक्यो रिवेंजर्स पसंद नहीं है, इंक्लूडिंग द मांगा, क्योंकि गाइस मैंने पहले ही उससे बेहतर टाइम ट्रैवल और गैंग वाले एनिमेज देख रखे हैं, और जब भी मैं उसे देखता हूँ इट इज़ जस्ट अ टेरिबल मिक्स ऑफ बोथ द जॉनराज। इसलिए जब भी मुझे टाइम ट्रेवल एनिमेज रिकमेंड करना होता है तो सबसे पहले मैं टोक्यो रिवेंजर्स को ही रिकमेंड करता हूँ, वरना अगर मैं इरेस्ड, फ्यूचर डायरी, स्टाइन्स गेट जैसे एनिमेज रिकमेंड कर दूँ ना गाइज, देन टोक्यो रिवेंजर्स इज जस्ट अ सीरियल जो कि आपको देखने को मिलता है। वेल, मैं तो यही कहूँगा गाइज कि अब तक अगर आपने एओआरसी नहीं देखा है देन गिव अ ट्राई टू हंगरी हार्ट एंड जायंट किलिंग। वेल, द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस एनमी गोज टू द डिसीविंग प्रेडिक्टिबिलिटी। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनमी की प्लॉट की। ये कहानी रिवॉल्व करती है तीन प्लेयर्स के ऊपर, कानाओ, साकाई और रॉड्रिगो। मेजरली कानाओ के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा है एज ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट। वेल, चलिए तब बात करते हैं कानाओ के ऊपर। कानाओ क्योसुके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ओवर कॉन्फिडेंट फॉरवर्ड है, जिसके पास बेहतरीन स्किल तो नहीं है पर स्ट्रेंथ और स्टेमिना भरपूर है। पर उसने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया बिकॉज वो एक फेमस फुटबॉल प्लेयर का भाई था, और जब भी वो बुरा खेलता था लोग उसे उसके भाई के साथ कंपेयर करते थे कि तू उसके ऐसा नहीं है, तू गर्म खून वाला है, तुझसे ना हो पाएगा, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता था कि वो फाइट्स में इन्वॉल्व रहता था, जिसके कारण उसे जूनियर हाई में फुटबॉल खेलने नहीं दिया जाता था, और उसी वजह से उसके भाई को टीम मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती थी, जो कि कानाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो भी कोई है, ही ऑल्सो हैव अ पर्सनैलिटी, ही इज़ ऑल्सो अ प्लेयर, भाई के भरोसे थोड़ी ना आगे बढ़ना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वो फुटबॉल छोड़ देता है, और अब उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में था। पर एक दिन एक लड़की उसे गर्ल्स सॉकर टीम को एक हफ्ते के लिए कोचिंग करने बुलाती है। पहले तो वो नहीं मानता, बट लेटर ऑन वो मान जाता है और वो उन्हें ट्रेनिंग देता है। उन्हें ट्रेनिंग करता देख उसे फिर से सॉकर में इंटरेस्ट आ जाता है। तो क्या कानाओ फिर से एक अच्छा फॉरवर्ड बन पाएगा? कहानी इसी के ऊपर रिवॉल्व करती है। अगर बात करें नेगेटिव्स की, तो इस एनिमे का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका एनिमेशन, जो कि मैचेस के टाइम बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जब भी कैरेक्टर का पर्सनल लाइफ दिखाया जाता है तब तो ये चल जाता है, लेकिन मैचेस के टाइम एनिमेशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। जो गोल्स स्कोर किए जाते हैं वो आपको ओवर द टॉप लगेंगे, जबकि रियल लाइफ में वही एक्रोबैटिक शॉट्स सबसे मस्त होती है। अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2002 के एनिमेशन से। बट जानते हो गाइज, उसी साल एक टॉप क्लास एनमे आई थी नेम्ड नारुतो। वेल, इस एनमे में टोटल 52 एपिसोड्स हैं, जो कि आपको इंग्लिश सबटाइटल्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। उम्मीद तो यही है गाइज कि आपको पसंद आए, और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।